अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्लोटिंग कप सासर बना रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमें ये फूल चाहिए, पत्ते और ये शोपीस, चेरी। इसमें से कोई चीज़ अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फूलों से भी सजा सकते हैं। और ये कटर चाहिए हमें, ये इस तरीके से पत्ते के ये पॉइंट कट करने के लिए। ये देखिए, ये कट करने के लिए। और ये फ्लोटिंग कप के लिए हमें ये कप को ठहराने के लिए इस तरीके का तार चाहिए, जिसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, जो बड़े आसानी से मुड़ जाता है। ये देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये फोक का इस्तेमाल करें। इसको इस तरीके से रख कर आप पहले ग्लोगन गन से इसको चिपका दें, उसके बाद में ये इस तरीके से लगाना है। अगर ये ना हो आपके पास तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आपके पास में ग्लोगन ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा वजन रहेगा तो आपका कप सासर जल्दी गिरेगा नहीं, इस तरीके से उसके ऊपर आप इसको रख दें। ये देखिए, इसको आप थोड़ी देर इसी तरीके से पकड़ के रखेंगे, वो बराबर उसमें फिट हो जाएगा। इस तरीके से आप लगाते जाए। अगर आपको पत्ते नहीं लगाना है तो मत लगाए, आप इसकी जगह पर डायरेक्ट फूल भी लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर आप रख देंगे तो वो पत्थर आपने नीचे रखे हैं बैलेंस के हिसाब से, वो पत्ते नहीं, पत्थर दिखाई नहीं देगा। मैं जो आपको व्हाइट कलर का बता रही थी उसको थोड़ा सा सूखने में वक्त लगेगा, तो मैंने एक पहले से तैयार करके रखी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप इस तरीके से छोटा बड़ा फूल, हर कलर के फूल जैसा आपको ठीक लगे वो फूल लगाते जाए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे बड़े फूल लगाकर इस तरीके से उसको सजा दें।
आप जब भी ग्लूगम का इस्तेमाल करें तो बहुत ही हाथ संभाल के करें, क्योंकि वो फौरन हाथ पे लग जाती है क्योंकि वो गर्म होता है। और बहुत ही एहतियात से काम करना है आपको, बहुत ही ध्यान से। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो तमाम सामान आपके पास में हो, जिससे आपको कोई चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप भूलेंगे भी नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तमाम चीज़ें हाथ के पास होने से हमको याद होता है कि हमको कैसे बनाना है। सिर्फ इसको सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है कप और सासर को, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक दिन पहले अगर आप वो चीज़ तैयार कर लेंगे तो दूसरे दिन आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। ये आपके फ्लोटिंग आइस तैयार हो चुकी है। आपका फ्लोटिंग कप सासर तैयार है। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपके लिए बनाया है। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कुकिंग में या इस तरीके के शोपीस में या ज्वेलरी मेकिंग में कोई चीज़ अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपकी वो बात ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह हाफिज़।